कांगड़ा जिला की श्री आदि हिमानी चामुंडा का निर्माण कार्य काफी धीमा चल रहा है। यही नहीं, आदि हिमानी चामुंडा में पानी की भी समस्या है। हमारा फोकस पानी की समस्या को जल्द दूर करना रहेगा, जिससे कि समय पर निर्माण पूरा हो सके। ये बात डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने कही। डीसी कांगड़ा ने हाल ही में अपनी टीम के साथ आदि हिमानी चामुंडा का दौरा कर व्यवस्थाओं को जांचा। मीडिया से जानकारी साझा करते हुए डीसी ने कहा कि आदि हिमानी चामुंडा का दौरा किया है, हमारी पूरी टीम वहां गई थी। वहां जाकर पाया कि मंदिर का निर्माण कार्य काफी धीमी गति से चला हुआ है, पानी की भी वहां पर समस्या है। हमारा फोकस रहेगा कि पानी की समस्या को आदि हिमानी चामुंडा में जल्द से जल्द दूर किया जाए, मंदिर का निर्माण कार्य जल्द पूरा हो पाए। आदि हिमानी चामुंडा धार्मिक स्थल है, जो कि धार्मिक दृष्टि से उभर कर सामने आ सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्यटन के लिए आदि हिमानी चामुंडा को बेहतर डेस्टिनेशन बनाया जा सकता है। इसके लिए व्यवस्थाओं में इजाफा करना जरूरी है, जिसका लाभ आसपास के लोगों सहित पूरे कांगड़ा जिला को होगा। आदि हिमानी चामुंडा में हम लोग, क्योंकि पैदल वहां पर 3-4 घंटे का वो ट्रैक है, और वहां पर एक बार जाकर वहां की व्यवस्था देखना आवश्यक था, तो उसी के तहत वहां पर हमने विजिट किया। हमारी पूरी टीम वहां पर गई और हमने पाया कि वहाँ पर टेंपल का जो कंस्ट्रक्शन है वो बड़ा स्लो पेस पे चला हुआ है, पानी की वहाँ पर समस्या है। तो हम लोगों का फोकस इसी चीज़ पे रहेगा कि वहाँ पर हम पानी की जो समस्या है उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें, टेंपल वहाँ पर कंप्लीट उसका कंस्ट्रक्शन हो जाए, और ये पूरा जो आदि हिमानी चामुंडा का जो हमारा धार्मिक स्थान है, ये एक बहुत बड़े स्केल पर उभर कर सामने आ सकता है। और इसके लिए हम लोग इसके आगे की जो प्रोग्रेस है, चाहे वो जो रास्ते में हमारे जहाँ पर रास्ता डैमेज है उस रास्ते की रिपेयर की बात हो, या बीच बीच की लोकेशंस पे कहीं हमें हाल्टिंग पॉइंट्स बनाकर कुछ शेड्स लगाने की बात हो, या वहाँ पर एक्सेस के लिए जैसे पहले भी यहाँ पर हेलीकॉप्टर की सेवाएँ एक बार शुरू हुई थी उसको रिस्टार्ट करने की बात हो, हम उस प्लेस को बहुत अच्छे तरीके से हमारे रिलीजियस पर्यटन, रिलीजियस टूरिज्म के मानचित्र पर ला सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में हम लोग उसको, जब उसको उसका स्केल हम लोग इतना अच्छा करेंगे, तो इसका फ़ायदा, इसका जो भी एडवांटेज है वहाँ के स्थानीय लोगों को, आसपास के, इवन मैं तो कहता हूँ स्थानीय लोग ही नहीं, पूरे जिला कांगड़ा को उसका फ़ायदा होगा, और वो सबके लिए एक अच्छी चीज़ साबित होगी।